जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और इस वक्त अहमदाबाद अहमदाबाद का तीन दरवाजा रेबल फाउंडेशन एक दिन की दूरी पे। सलम, कैसे हैं आप? एक दिन के दौरे पे मैं यहाँ आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आया था, जो जेल में बंद है, उन्हीं के लिए, लोगों के बीच, अपने भाइयों के बीच और हमेशा की तरह सड़कों में। और केवल एक बात बोलना चाहूँगा, ये लॉकडाउन का जो असर है, जो फिर से ये कर्फ्यू वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, मैं चाहूँगा आप लोग जल्दी जल्दी आना शुरू कीजिए। लगभग 23 लोग जुड़ चुके हैं, संख्या कम है, संख्या बढ़ी है, 42 हो गए, और संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हूँ यहाँ पे। गुजरात में जो माहौल चल रहा है और पूरे देश में, कल अहमदाबाद में आपने देखा, जब मैं एयरपोर्ट पे आया, जबरन 800 रुपए की वसूली की गई, जबरन 800 रुपए की। तो आपको ये बात समझना होगा दोस्तों कि किसी भी तरीके से जी हम लोगों से वसूली की जा रही है और फिर ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन को हम कंट्रोल में करेंगे। ये तीन दरवाजा अहमदाबाद का, जहां आप मेरे को देख सकते हैं, और अहमदाबाद का जो शाम का क्रेज है खाने का, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आते हैं शाम को खाने के लिए, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन अब ये पूरा बाजार भट्टा बैठ रहा है। लोग जो इतने मुश्किल से कोरोना काल में से थोड़े बहुत जीवित होकर निकले थे, अब फिर से कर्फ्यू और फिर से लॉकडाउन की संभावनाएं, वैक्सीन को लेकर मारामारी, कहीं वैक्सीन की ऊंची रेटों में बिकने की बातें आ रही हैं। आप अहमदाबाद गुजरात में, मैंने कल एयरपोर्ट से एक एक्सपोज किया था, जिस कंपनी ने, सुब्रत एक कंपनी है, उन्होंने फ्लाइट से आने वाले हर लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया है, आप 800 रुपए पहले पे कीजिए, चुकाइए, तब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। यानी जहां पे ये कोरोना वैक्सीन फ्री में बांटने की बात हो रही है, उस देश में टेस्टिंग के नाम पे 800 रुपए इनको चाहिए। और अगर अब भी हम चुप ही रहेंगे तो फिर आप गुलाम बनने की कगार पे हैं, और अगर आपको गुलाम ही बनना है तो फिर आपको कोई आजाद नहीं करा सकता है। ये हमारी एक विचिन्न और विकृण मानसिकता है, जो आप लोग सोचते हैं कि हमें हांका जाए, लेकिन आपको अब समझना होगा कि भारतीय लोग जो हैं वो हांकने के लिए नहीं है। भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि सरकार ने, विशेष तौर पर मोदी गवर्नमेंट की, देखिए मैं बात करता हूं मोदी गवर्नमेंट के बैड पॉलिसीज के खिलाफ, और आज उनका गढ़, अमित शाह का गढ़, अहमदाबाद में खुले में सड़क में कोई स्टूडियो नहीं है। तो रेबेल की आदत है, रेबेल हमेशा सड़क पे ही होता है, और हमारे लिए अपना परिवार वही है जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, और हम जहां भी जाएंगे अब इस परिवार के दायरे को बढ़ाएंगे। कारण केवल एक है, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, अब फिर से आप नाइट कर्फ्यू करेंगे, फिर से इनका बिजनेस को रोकेंगे, इनके काम धंधे को रोकेंगे, इनसे वसूलेंगे, इंजेक्शन की मारामारी होगी। और मेरा एक सवाल था हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे, कि आप ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या इस वैक्सीन के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा? आंसर है नहीं। क्या इस वैक्सीन के लगने के बाद मैं पब्लिकली जा सकता हूं? आंसर है नहीं। क्या इस वैक्सीन को अगर हम लगा लें, दूसरा हमसे सुरक्षित है, तो आंसर होगा नहीं। और मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं ये वैक्सीन लगा लेता हूं और मुझे कोई नुकसान होता है, तो क्या सरकार मुझे कोई मुआवजा देगी? तो आंसर है नहीं। तो इस वैक्सीन का कोई प्रमाणित होना ही अभी तक तय नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? और अगर इस वैक्सीन का इतना पावर है, तो फिर लॉकडाउन क्यों? दोनों ही चीजें आपको समझनी होगी। मैं रेबल सदानंद पति, अहमदाबाद, तीन दरवाजा, लोगों के बीच, बाजार के बीच, 8 बजे यहाँ कर्फ्यू लगेगी। मैं भी अपना खाना पैक कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मुद्दा खाना का नहीं है, हम अनशन करते हैं तो 20-20 दिन भी हम लोग बिना खाए रह सकते हैं। पर छोटी सी एक बात है, बीजेपी गवर्नमेंट, गुजरात मॉडल, अहमदाबाद, अमित शाह का गढ़, और यहाँ लोगों के हालात क्या, आप सड़क पे आके पता कीजिएगा, तो शायद आप जान सकेंगे कि हर आदमी, केवल गुजरात में नहीं, भारत का हर हिस्सा आज परेशान है इस बीजेपी गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस से। हम चौड़े में बोलते हैं, खुले में बोलते हैं, और चौड़े में ही बोलेंगे और खुले में ही बोलेंगे। 27 बार की जेल यात्रा के बाद 28वीं बार जेल यात्रा के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरी टीम तैयार है। यहाँ से कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ बंगाल ममता बनर्जी के लिए, और केवल एक बात आपको बताऊंगा, आईपीएस संजीव भट्ट को जेल से निकाल के दिखाएंगे। आज हमारी एक रणनीति हुई है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग रेबल फाउंडेशन से मिलने आए, जिसकी वजह से मैं कल शाम आया था अहमदाबाद, और अहमदाबाद के तमाम लोगों को एक बात बताऊंगा, इकट्ठा होना सीखिए, अपने मुद्दे पे बात करना सीखिए। अगर वैक्सीन लग जाता है तो क्या हमें मास्क पहनने की जरूरी नहीं है? ये बात हमें कौन बताएगा? अगर मैंने वैक्सीन लगा लिया तो क्या मुझे मास्क पहनना जरूरी है? फिर भी अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? ये दोनों ही उत्तर मुझे चाहिए होंगे। और शायद आप लोगों को भी चाहिए होगा, आप लोगों को भी जवाब चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? जवाब चाहिए होगा ना, थोड़ा आवाज चाहिए होगा भाई। देखिए ये सब लोग अपने साथ हैं, और ये कोई पेड पत्रकारिता नहीं है,
रेबल फाउंडेशन पेड़ पत्रकारिता नहीं करता। आप मुझे पिछले दो साल से तीन साल से सड़कों में ही देख रहे होंगे या जेल में देख रहे होंगे। ये दोनों ही जगह मेरी घर है। मेरे लिए मेरा घर जेल है, मेरे लिए सड़कें घर है। अगर मोदी गवर्नमेंट के बैड पॉलिसीज के बारे में बताना गुनाह है तो मैं तमाम उम्र ये गुनाह करता रहूंगा। आपको मंजूर है नहीं है भाइयों? साथ देंगे नहीं देंगे? ये अहमदाबाद है, गुजरात मॉडल की जो बड़े बड़े डंके लगाए जाते हैं ना, मैं रेबल सदानंद पति उसी अहमदाबाद के तीन दरवाजे के मार्केट के पास। और ये जो आप मेरे सामने मार्केट देख रहे हैं, ये इतने महीनों से त्रस्त रहे हैं और फिर नाइट कर्फ्यू। लोग गुजरात में शाम को आते हैं क्योंकि दिन में गर्मी होती है। गलत तो नहीं है दोस्तों? जोर से बोलिएगा, गलत तो नहीं है? कोई हक की बात है, कोई नाजायज बात नहीं है। तो लोग देख रहे हैं और गुजरात के अंदर ही गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये गुजरात मॉडल भला बंगाल में, भला बिहार में कैसे सक्सेसफुल होगा? बंगाल पे हमने ये गारंटी दे दी है, ममता बनर्जी आ रही है। और जब तक रेबल जिंदा है तब तक तो ममता बनर्जी के अलावा बंगाल में कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। अरे हम करके दिखा देंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जहां जहां भी गए हैं, उसके बाद केजरीवाल जी की बारी है, वहां भी हम केजरीवाल जी को जिताएंगे। क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम आवाम की सपोर्ट करते हैं, हक की बात करते हैं। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? हाथ उठा के बोलिएगा, गलत तो नहीं है? तो आपको ये कि देश एक्चुअल में चाहता क्या है? देश अगर आपका वैक्सीन को लेके ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, पहले शराब को लेके ब्लैक मार्केटिंग, अब वैक्सीन को लेके मार्केटिंग। अगर आप एम्बुलेंस में नहीं जाएंगे, कल अहमदाबाद में एक प्रोफेसर की डेथ हो गई, एक प्रोफेसर की। वो प्रोफेसर की डेथ केवल इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल वालों ने उनको लेने से मना कर दिया। बैनर्जी नाम है उनका, बैनर्जी मैडम थी, आप गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि वो एम्बुलेंस में नहीं आई थी 108। तो अगर एम्बुलेंस में आप नहीं आओगे और अहमदाबाद में वोखाट अस्पताल या दूसरे अस्पताल उनको एंट्री नहीं देंगे तो फिर सरकारी मशीनरी का क्या काम है? अगर ये राम राज्य है तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं है। अगर मोदी राज में ये राम राज्य है तो हमें राम राज्य नहीं चाहिए। चाहिए क्या? रेबल का साथ देंगे, जेल जाएंगे, तैयार है मेरे साथ। तो बंगाल से लेके गुजरात, ये जो गुजरात मॉडल के चर्चे चलते हैं, इन चर्चों को भी खोलेंगे। और अब आपको बताऊंगा एक बात, बहुत जल्दी पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ ही होंगे। अब पुलिस वालों को भी समझ में आ गया है कि सरकार उनको भी टॉर्चर कर रही है। 24 घंटे काम करवाती है, एक्स्ट्रा पे आउट ओवर टाइम नहीं देती है, ना छुट्टी देती है। अब भारत का हर जनता एक दूसरे के साथ एक हो रहा है। अब ना हिंदू का जिक्र होगा, ना मुसलमान की बात होगी। हम भारतीय हैं, भारत की बात होगी। होगी कि नहीं? ये आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद है, अमित शाह के नगर के अंदर रेबल फाउंडेशन चौड़े में डिक्लेयर करता है कि आपका हर घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये जनता का सैलाब है जो अब रुकेगा नहीं। मेरी 27 बार की गिरफ्तारी, आप लोग 28 बार जेल जाएंगे, चलना है जेल में, तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। लेकिन अब सरकार का ये रवैया नहीं चलेगा। ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि लॉकडाउन से फर्क है या नहीं है। अगर आप वैक्सीन कंपलसरी करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वैक्सीन के बाद हम सुरक्षित हैं या नहीं है। अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो मास्क पहनना क्यों जरूरी है, ये आपको बताना पड़ेगा। और अगर नहीं बताएंगे तो घुस के आपसे जवाब लिया जाएगा। लेंगे कि नहीं? बहुत हो गया। बंगाल में जो आप कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान, वो सब हम खत्म करेंगे। तब तक अहमदाबाद का शहर, ये तीन दरवाजा, और मुझे लगता है गुजरात मॉडल एक्चुअल में कोई मॉडल है ही नहीं, एक फेक मॉडल है। कोई मॉडल है क्या? ये गुजरात के लोग हैं, अहमदाबाद है, और गुजराती खुद बोल रहे हैं कोई मॉडल है गुजरात मॉडल। अब आप देख लीजिए, जान लीजिए और फिर जज कीजिए और फिर वोट कीजिएगा। ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए जो केवल जुमले देते। अगर ये कहते कि हम मुसलमानों के लिए हम हक की बात करते तो मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और चौड़े में बात करता हूँ। अगर ये राम राज्य तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।